हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू आर फाइन। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, यानी कि 7.3 के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें 7.3 करना है। तो देखिए, अभी तक जो हमने एरिया पढ़ा हुआ है, ए बी सी, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे एच है, ए बी है, तो एरिया क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच। हमने इसका ही पढ़ रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये जो है आइसोसेलस है और ये इक्वल है, तो इसका भी एरिया है चूँकि बी हो जाता है, और ये एच 1/2 बी इंटू एच। हमने तीनों वाला भी पढ़ा हुआ है, एक ही अगर तीनों साइड दिए हुए हैं या तीनों इक्वल हैं तो इसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। और एक और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक भी इक्वल नहीं है, मान लो ये ए बी सी है, तो इसका जो एरिया होता है हीरोंस फॉर्मूला से एस बराबर सी अपॉन टू, और ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस इन टू, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब जो है हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्लेन में जब कोई ट्रायंगल होगा, जैसे ऐसा इस कार्टेशियन प्लेन में, तो ये बी सी है, इसका पॉइंट एक्स वन वाई वन हो जाएगा, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। इसका जो एरिया होता है वो इस पे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाल लिए ये दोनों, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। देखिए, इसको याद रखने के लिए मैं तरीका बता दे रहा हूँ, 1, 2, 3 ऐसे रोटेट होना है। जैसे देखिए, 1/2 है, एक्स वन लेंगे ब्रैकेट के अंदर, 1 के बाद क्या आता है 2, 3, तो वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर प्लस एक्स टू लेंगे, एक्स टू के बाद क्या आ रहा है 3, 1, तो वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर आगे एक्स थ्री लेना है तो एक्स थ्री के बाद क्या आएगा 1 और 2, तो वाई वन माइनस वाई टू। यानी कि अगर हमने एक्स वन लिया तो यह मिल गया 2 माइनस 3, यानी कि वाई टू माइनस वाई थ्री। जब हमने एक्स टू लिया तो हमें मिल गया कितना, 3 माइनस 1, यानी कि वाई थ्री माइनस वाई वन, और फिर जब हमने 3 लिया एक्स थ्री तो हमें मिल गया वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। और फिर बीच में प्लस लगा देना, यानी कि इतना प्लस ए और बाहर में 1/2, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको कैसे करना है प्रूफ भी करेंगे, ठीक है, इसको प्रूफ भी कर लेंगे। अभी इतना ही आज देखना है, आगे की एक वीडियोज बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि कैसे प्रूफ करके आया है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 7.3, ठीक है जी। अभी जो है एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए, दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये जो है 7.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है कि 2, 3 है, -1, 0 है, आपका 2, -4 है, और दूसरा है -5, -1, 3, -5 है, 5, 2 है। एरिया निकाल, ये देखिए एक्स वन ऐसे कर देता हूँ, ये है एक्स वन वाई वन मान लेते हैं, जो कि 2 और 3 है, ये मान लेते हैं -1, 0, एक्स टू वाई टू है, ये आपका 2, -4 है, एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। देखिए, एरिया तो 1/2 एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई टू लेंगे, एक्स टू है तो वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री लेंगे तो हो जाएगा वाई तीन के बाद क्या आता है 1, वाई वन माइनस वाई टू,
ये हो गया इक्वल 1/2 एक्स वन, एक्स वन है आपका 2, वाई 2 0, माइनस वाई 3 है माइनस 4, ठीक है, प्लस एक्स 2 माइनस 1, वाई 3 माइनस 4 माइनस 1 2 है, एक्स 3 2, वाई 1 3 माइनस वाई 2 0, 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो हो जाएगा 4 और 2 6 प्लस 6, 3 2 जा 6, 1/2 8 6 14 और 14 6 21 है ना, ये हो गया 21/2 या 10.5, जिस यूनिट में होगा यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। सेकंड का भी वैसे ही करना है सेम, मैं तो कुछ मिटा लेता हूँ, आप लोग खुद से कर लेंगे, एक बार दोबारा करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसको मिटा करके इसके पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ और ये मिटा दे रहा हूँ सेकंड के लिए। ये देखिए माइनस फाइव माइनस वन, यह 3 माइनस फाइव, यह 5 2, आप लोगों को पूरा लिखना है, एक्स वन माइनस फाइव इन टू वाई 2 माइनस फाइव माइनस वाई 3 2 प्लस एक्स 2 3 वाई 3 2 माइनस वाई 1 माइनस 1 एक्स 3 5 y1 है आपका माइनस 1 और माइनस y2 है आपका माइनस 5, 1/2 माइनस 5, 5 और 2 7 माइनस 7 प्लस 3 माइनस में प्लस 2 1 3 माइनस माइनस प्लस 4, 1/2 7 बजे 35, 3 3 आई 9, 5 के 20, ये हो गया 1/2 15, 9 5 14 44 और 20 64, तो ये हो जाएगा आपका 32 है ना, 9 5 14 3 2 5 और 1 6, ठीक है जी, 2 से कट गया 32 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। निम्नलिखित में प्रत्येक के का तीनों बिंदु संरेख हो, देखिए अगर दूसरा कहता है कॉलिनियर है, कॉलिनियर संरेख, तो जब संरेख होगा तो जो एरिया होगा, तीनों पॉइंट चूंकि इसी पे है, 1 2 3, जो ये है ए बी सी मान लिया जाए, ए बी सी है या ए सी बी है, तो ये किस पे है, इस तीनों लाइन सीधा हो गया ऐसे ए बी सी, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया जीरो हो जाएगा, तो वही कहता है कि इसका एरिया जीरो है तो के की वैल्यू फाइंड करिए, तो सिर्फ इसी में मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे एरिया जीरो है, एरिया यही है तो एरिया हमें जीरो लेना पड़ेगा, और हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करने हैं, तीन पॉइंट्स हैं आपका 7 माइनस 2 है, 5 1 है, 3 के है, देखिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/2 x1 मान लो हम इसको ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3, ठीक है, तो x1 7 है इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना हमारा 1 और y3 कितना है k, प्लस x2 5 है x2 तो 2 का y3 माइनस y1 तो हो जाएगा k माइनस माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 3 तो y1 माइनस y2 तो माइनस 2 माइनस 1 इक्वल 0, चूँकि एरिया 0 है तो 1/2 7 इंटू 7 के प्लस 5 के प्लस 5 2 जा 10, 2 और 1 3 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस तो माइनस 3 3 3 जा 9,
सॉरी जीरो, यहाँ पे और लिख लेंगे तो और हो गया 1/2, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया माइनस 2 के, 10 में से 9 गया 1, 1/2, 7 और 1 8 माइनस 2 के, इसलिए 8 माइनस 2 के इक्वल 0, 2 के इधर चला जाएगा तो 8 बराबर हो जाएगा 2 के, इसलिए 2 से 4 तो k बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, उसी तरह से एक और है क्वेश्चन सेकेंड, इसका k की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पे रख लेता हूँ दोबारा। ये देखिए सेकेंड कहता है 8 1 है, k माइनस 4 है, 2 माइनस 5 है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए x1 कितना है 8, y2 है माइनस 4, माइनस y3 है माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस प्लस x2 है k, y3 है माइनस 5, y1 है 1, प्लस x3 2 है, y1 1 है, माइनस y2 माइनस 4 है। 1/2 5 में 4 गया 1, प्लस 5 और 1 6 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 2 × 5 ये हो गया 1/2 8 प्लस सॉरी माइनस 6 के प्लस 10 ये हो गया 10 और 8 18 माइनस 6 के कॉमन हो जाएगा 6 कॉमन 6/2 6 3 18 माइनस के और सब में 0 है, सब में एरिया क्या है 0, तो इसलिए 2 से 1 कट गया 3 तो 3 माइनस k = 0 इसलिए 3 बराबर k तो k बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है, सिर जितना बल त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है 3 वो भी कर लेते हैं। ठीक है जी, हो और जी तुषार बाबू क्या हाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 0 3 त्रिभुज के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज है ऐसा ए बी सी मान लेते हैं, ए आपका 0 -1, ए आपका 2 1 सॉरी इसको 2 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 0 3। देखिए जी कहता है इसके पॉइंट को मिलाइए, मध्य बिंदु को मिडल, ये सब जो है मिडल पॉइंट है। अब बड़े वाला का एरिया और छोटे वाला का भी एरिया, फिर दोनों का अनुपात भी निकालना है यानी कि रेशियो भी, तो देखते हैं ए बी, पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें, मान लो ये पी क्यू आर है, पी हो जाएगा ये, देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 y बराबर और ये x बराबर, इसी पे मैं ये निकाल रहा हूँ पी, तो ये हो जाएगा 2 और 0, 2 और 1 तो 1, 1 और -1 0 हो गया तो ये भी 0, 0 + 0/2 0 -1 + 3 तो 2/2 1 ये हो गया r, 2 और 0 2, देखिए 2 + 0 2 और बटे 2 1 और 1 -3 -2 तो ये -1 हो गया, यानी कि ये भी पॉइंट आ गया। अब क्या कहता है कि दोनों को ही एरिया निकालिए और फिर रेशियो निकालना है,
क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है? त्रिभुज की मध्यभुजाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का, हाँ, दिए हुए क्षेत्रफल से निकालना है। तो पहले पी क्यू आर का एरिया फाइंड करनी है ट्रायंगल और अपॉन एरिया ए बी सी। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एक्स वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। उसी तरह से इसका भी एक्स वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री। पहले ऊपर वाले का देखते हैं पी क्यू आर में, तो एक्स वन है वन, तो वाई टू माइनस वाई थ्री तो माइनस वन